साल 2023 में 14 अगस्त के दिन जो कुछ हुआ, आज भी अगर वो बात और वो डरावना मंजर जहन में आ जाए तो आंखों के आगे डर छा जाता है। 14 अगस्त 2023 को शिमला के समरी इलाके में 20 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और आज 10 महीने बाद एबीपी लाइव की टीम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर वो आपदा आई थी और उस आपदा के मंजर ने हर किसी को डरा कर रख दिया था। आपको अपनी स्क्रीन पर जो जगह नज़र आ रही है, ये रेलवे का ब्रिज है। जिस वक्त आपदा आई थी तो ये रेलवे का ब्रिज भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और उसके एक महीने बाद रेलवे ने यहाँ पर एक टेम्परेरी ब्रिज तैयार किया। इसके ठीक नीचे वही मंदिर है जहाँ पर 14 अगस्त की सुबह सावन के आखिरी सोमवार के दिन जो शिव भक्त थे वो पूजा कर रहे थे और तभी अचानक एक पानी का जलजला आया और उसने 20 लोगों की जान ले ली। आज भी आप देखेंगे 10 महीने बाद आपको वो टूटे हुए पेड़, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर आपको नज़र आएंगे और ये वो मंजर याद दिलाता है, ये उस वक्त की याद दिलाता है जब यहाँ पर 20 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये समरील की छोटी सड़क है जो बालूगंज से सांगटी की तरफ जाती है, यहाँ पर भी काम चल रहा है और इसके ठीक 10 महीने बाद भी यहाँ पर एक सुरक्षा दीवार देने का काम किया जा रहा है, जिसे आम भाषा में हम डंगा कहते हैं। वो डंगा यहाँ पर लगाया जा रहा है क्योंकि जब ठीक अगर आप ऊपर देखेंगे एडवांस स्टडी से वो पानी का जलजला चला था और ये पूरी तबाही करते हुए एक किलोमीटर से डेढ़ किलोमीटर नीचे तक जो शिमला का शिव बावड़ी मंदिर है वहाँ तक इसने तबाही मचाई थी। अगर आप अब एडवांस स्टडी की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो काम होना है उसे CPWD की तरफ से पूरा किया जाना है। जो सुरक्षा दीवार इसमें दूसरी तरफ लगनी है, जो जिसे हम समरील की हिल साइड कहते हैं, वहाँ दीवार CPWD की तरफ से लगनी है। नगर निगम शिमला यहाँ पर दूसरी सुरक्षा दीवार देने का काम कर रहा है और यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे कि जब भी लोग यहाँ से गुजरते हैं तो उनके दिमाग में वो बात ज़रूर आती होगी, वो डर ज़रूर आता होगा जो 14 अगस्त की सुबह शिमला का था। इस तस्वीर ने ना सिर्फ शिमला के लोगों को डराया था बल्कि पूरे देश में जब इस तरह की तस्वीरें गई थी तो वो शिमला के लिए एक डराने वाली तस्वीरें थी। और अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पर ट्रैफिक को रोकना पड़ता है क्योंकि जो दीवार का काम चल रहा है, यहाँ पर सुरक्षा दीवार लगाई जानी है, उसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक को रोकना पड़ता है और ट्रैफिक की मूवमेंट फिर वन वे के तौर पर की जाती है, यानी कि पहले एक तरफ की गाड़ियों को छोड़ा जाता है और उसके बाद दूसरी तरफ की गाड़ियों को यहाँ से छोड़ा जाता है। शिमला की जो तबाही की तस्वीर उस वक्त किसी ने नहीं देखी होगी, आज 10 महीने बाद अगर वो यहाँ पर आएगा तो उसे साफ साफ यहाँ पर बिल्कुल नज़र आएगा कि किस तरह की तबाही का मंजर यहाँ पर देखने के लिए मिला था। अब शिमला और हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री 24 जून के आसपास होने वाली है। IMD शिमला का ये कहना है कि इस बार मानसून पूरी तरह से सामान्य रहेगा, लेकिन बावजूद इसके अभी भी शिमला और जो इसके आसपास के इलाके हैं, चाहे हम कुल्लू की बात कर ले, मनाली की बात कर ले, मंडी की बात कर ले, वहाँ पर इस तरह के भूस्खलन की संभावना आने वाले मानसून में भी बनी रहेगी और इसी वजह से मानसून से पहले इन सभी कामों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। एक खास बात ये भी है कि पिछले साल आई आपदा से सीख लेते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसे 5 जिलों में NDRF की छोटी टुकड़ी की स्थापित करने की भी काफ़ी फैसला लिया है, जो आपदा आने पर जो नुकसान होता है, जो जान माल का नुकसान होता है उसे कम करने में NDRF की टुकड़ी अहम भूमिका निभाएगी। क्योंकि इससे पहले साल 2023 में जब आपदा आई तो पहले तो SDRF की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन बाद में जब रेस्क्यू ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो वो सिर्फ एक सर्च ऑपरेशन बनकर रह गया, जहां पर 10 से 12 दिन तक लोग सिर्फ शवों को गिनते रहे, इंतज़ार करते रहे कि उनके अपने का, उनके घर परिवार के लोगों का शव बाहर निकलेगा और कम से कम वो उसका अंतिम दर्शन ना सही लेकिन अंतिम संस्कार कर सकें। साल 2024 में इस तरह की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए सरकार पहले से ही तैयारी कर रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।